नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे शरद पवार जी के बारे में। जी हां, शरद पवार की इस समय जो है चर्चा बीजेपी की नज़दीकियों के ऊपर लेके है, और उन्होंने कल जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की है। आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? कोई प्लान बी का काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है प्लान ए पे काम कर रहे हैं, क्या है एक्चुअली? इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि क्या महाराष्ट्र राजनीति में कुछ और होने वाला है। सर, आप क्या मानते हैं, जब पवार साहब कुछ हलचल करते हैं तो उसका हटके कुछ परिणाम आता है, तो इस बार क्या लगता है आपको, कुछ गड़बड़ होने वाली है? हाँ, नहीं सर, आप भी पत्रकार हैं, 25-30 साल हो गए आपको भी। बिल्कुल। और आपने सभी बड़े चैनलों पे काम किया है और अभी भी आज जुड़े हुए हो आप पत्रकारिता से अच्छी तरह से। बहुत सारे पत्रकार भी आपके इसमें आते हैं, तो आपके पास क्या जानकारी है इसके बारे में? ये मैं आज उल्टा आपको सवाल करता हूँ। सर, पवार साहब के बारे में जानकारी जुटाना बहुत टेढ़ी खीर है सर। वो उनका मुंह इधर रहेगा तो काम इधर होता है। हाँ। इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, और आपने देखा है पिछले खासकर 2019 के चुनाव में उन्होंने पहले कहा कि हमको लोगों ने जो है वोटिंग जो किया है वो अपोजिशन का दिया है, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत की उसने सरकार बनाने में उन्होंने सर, और उन्होंने सफल भी हुई उसमें, और फिर बाद में उन्होंने दूसरी सरकार भी बनाई अजीत पवार जी को लेके। हाँ। उन्होंने कहा कि वो तो अजीत पवार हमारे से बगावत करके गए हैं, ये है वो है। बाद में अभी कुछ दिन पहले पिक्चर कुछ और निकला, मतलब बैकग्राउंड में कुछ खुद वही थे और प्लान कुछ और बन गया। तो अभी सर उनके दिमाग को पढ़ना है सर, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या मानते हैं इस बात को? सर मेरे को ऐसा लगता है कि पवार अपना इम्पोर्टेंस जी ये जो नेशनल यूपीए है जी उसमें बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये नहीं मानता कि वो बीजेपी के नज़दीक जाना चाहते हैं जी, या बीजेपी के साथ कोई सरकार बनाना चाहते हैं या सरकार में शामिल होना चाहते हैं। वो क्या उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि अपना महत्व बढ़ाने के लिए वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब बिना शरद पवार वो यूपीए की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे बिना गांधी नहीं कर सकते, वैसे पवार साहब का होना भी सबको जरूरी लगता है। मगर अभी ऐसा हो गया कि सत्ता जाने के बाद उनको जो वो महत्व मिलना चाहिए वो पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सत्ता पार्टी में भी नहीं थे, इसलिए उनको शब्द को कोई सत्ता का आधार नहीं था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं अगर इस प्रकार से कुछ बातें कहूँ कि जिससे लोगों को लगे यार या तो बीजेपी के साथ तो नहीं जा रहा है, ये मोदी का एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा है इनका, नहीं नहीं रोको रोको इनके मन के जैसा जो है वो करो जी। तो उन्होंने पहले खुलेआम राहुल को सुनाया कि सावरकर की बात मत बोलो, बाद में उन्होंने अडानी का फेवर लिया, अडानी का फेवर में किया, फिर जीपीसी की जरूरत नहीं ऐसा भी वो बोले, सावरकर के साइड में तो बोले ही बोले। अभी भी उन्होंने बोला कि पदवी का क्या संबंध है मोदी की जी। पदवी का कोई संबंध नहीं है, बिना पदवी भी लोग चल जाते हैं। तो एक एक करके उन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि भाई बीजेपी के लिए मैं अनुकूल हूँ, जबकि मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से बीजेपी में उनका कोई स्थान नहीं है। बीजेपी में अगर किसी को स्थान है तो वो है अजीत दादा पवार, उनको स्थान है, उनके समर्थकों को स्थान है, पर पवार साहब को नहीं है। और साहब को मुश्किल भी है जाना, वो अभी इंदिरा गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ बोल के 1919 में बाद में ज्वाइन कर गए। हाँ, मगर अभी बीजेपी के साथ वो नहीं कर सकेंगे, ये वो थोड़ी तो शर्म लज्जा होती है अरे को, तो वो नहीं करेंगे, मगर वो अपना उपद्रव मूल्य दिखा रहे हैं। मतलब बीजेपी समर्थन दिया है सर नॉर्थ ईस्ट में जो अभी सर वो कैसे है ना कि अभी उनका जो कारण था ना वो राष्ट्रीय पक्ष करके उनकी जो मान्यता है जी। वो रखने के लिए उनको चार राज्यों में अपने लोग है ऐसा दिखाना था। नागालैंड में जो 7 लोग इनके चुन के आए हैं वो बीजेपी के जाने के लिए तैयार ही थे, 7 के 7। इन्होंने मर्जी उनकी संभाली और उनको परमिशन दिया कि भाई आप राष्ट्रवादी रहो, बस हमारे ऊपर उपकार करो ताकि हमारा ये परसेंटेज का जो मामला है वो थोड़ा शायद निपट जाए। वो भी नहीं निपटा। मगर अभी ऐसा है कि अभी वो राष्ट्रवादी नागालैंड की परवाह नहीं करेंगे, बोलेंगे जो सफर करना था हो गया, अभी जाओ तुमको जाना है तो बीजेपी में जाओ, हम तुमको नहीं मानते अभी कुछ, ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नागालैंड की बात से हम देशभक्त की बातों का ये नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में सर कैसे है ना कि मेरे को लगता है कि अगर उनको बहुत ही लगा कि
ये महागठबंधन के पुनर्स्थापना अभी अशक्य है जी। और कांग्रेस भी दिल से नहीं है, शिवसेना उबाठा भी नहीं है, तो शायद अजीत पवार को बोलेंगे कि तुम जो हमारे लोग हैं उनको लेके बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस जी तीनों मिलकर सरकार बनाओ, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी महाविकास और एक महाविकास महाविकास आघाड़ी के बदले महाविकास युति युति ऐसी महायुति ऐसे हो सकती है, मगर वो जो बोलते उसके बराबर उल्टा करते हैं। इसके लिए वो जो अभी बीजेपी भरोसा नहीं रखते, जितना बोल रहे हैं उतना करेंगे ऐसा लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है। अभी आपने सर अजीत पवार जी के जैसे किया कि तिहाड़ी सरकार बन सकती है, लगता है आपको कि शिंदे और फडणवीस के बाद तीसरे की जरूरत पड़ेगी आपको लगता है महाराष्ट्र 2024 में? 24 में जी पड़ेगी सर, पड़ेगी। देखो शिंदे और फडणवीस को जो क्लियर मैंडेट आना चाहिए जी मिलके, वो आने की संभावना मुझे कम दिख रही है। उसका रीजन क्या सर है? दो चीजें, भाजपा के अकेले दम पे नहीं कुछ कर नहीं सकते? नहीं, भाजपा तो अकेले करेंगी नहीं, करेंगे कर सकते भी नहीं है, शिंदे साहब के साथ ही जाना होगा उनको। मगर सर वो कैसा है ना कि उद्योग के चिन्ह चुनाव चला गया, पार्टी का नाम चला गया, मगर आम आदमी में जो सहानुभूति है वो नहीं गई है। तो जहाँ पे मौका रहेगा कि भाई शिंदे का आदमी खड़ा है और उद्योग का आदमी खड़ा है, तो वो कैंडिडेट कौन है नहीं देखते हुए उद्धव के पार्टी को वोट दे सकते हैं। और ऐसा हुआ तो जिस संख्या में शिंदे गुट के लोग आने चाहिए वो नहीं आएंगे, और भाजपा के भी नहीं आएंगे उसके साथ साथ, तो उनको और एक जरूरत लगी वो राष्ट्रवादी की, मतलब वोट बढ़ जाएंगे, हिंदू तो वोट बटेंगे ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, माटा की वजह से बटेंगे बटेंगे, और उस समय फिर अजीत दादा कोई उनको साथ देना होगा, और ये तीनों का मिलके नहीं बनेगी, मगर ये तीनों का मिलके बनेगी जी। कांग्रेस शिवसेना भी दुर्बल होने वाली है, तो कांग्रेस और उबाठा दुर्बल होने वाली है, मगर उन दोनों को दुर्बल होने के बावजूद इनको और साहब की जरूरत लगेगी, शायद हो जाएगा दो मुख्य उप मुख्यमंत्री बने, ऐसा होता है, तीन तीन उप मुख्यमंत्री तो पूरी पार्टी का बहुमत होते हुए योगी आदित्यनाथ ने बनाए, तो ऐसा करेंगे। मगर अभी अजीत दादा का भी दिल ये राष्ट्रवादी की राजनीति से उब गया है ऐसा लगता है, वो भी दिल से अभी इनके साथ है कि नहीं ऐसा सवाल होता है। उन्होंने अपना अपना जमघट बोलते 23 लोगों के सिग्नेचर है उनके पास, ये भी मैंने पेपर में ही पढ़ा जी, कि 23 लोगों ने सिग्नेचर करके उनको कोरा कागज दे के रखा है कि जिस दिन आपको चाहिए उस दिन आप बताओ, और वो 23 काफ़ी है उनको पार्टी छोड़ने के लिए। तो मैं भी संभ्रम में हूँ थोड़ा क्या होता है, और आने वाले दिन में हो सकता है कि तीसरी चाबी को लेके बोले हमको मुख्यमंत्री बनाओ मैं आता हूँ साथ, नहीं ये भी हो सकता है? नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर से को बीजेपी बाकी आप कुछ भी उनके ये करो, शिंदे साहब को दिया मुख्यमंत्री, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद दिया है, और अमित शाह जी का प्रॉमिस है कि भाई ये आपको 5 साल के दिया है, तो वो नहीं तोड़ेंगे, वो किसी भी हालत में नहीं तोड़ेंगे। सरकार बने या न बने, बनेगी ना जी, इनको उप मुख्यमंत्री बनाए तो इनको भी ठीक है ना, अभी उप मुख्यमंत्री नहीं है, फिर से बन जाएंगे। हाँ, और विरोधी पक्षी नेता में उनका किसी कांग्रेस वाले का दिल लगता नहीं है सत्ता के बिना, हो जाता है ऐसा मेरी अनुमान। एक आखिरी सवाल सर, जो उद्धव जी से जो कल देर शाम जो है पवार साहब मिले, वो सर चर्चा अपना रह गया कि क्या डिस्कस हुई है, क्या लगता है आपको? आपने आखिर में ऐसा सवाल पूछा है कि जिसके ऊपर अलग से वीडियो हो सकता था जी। तीन बातें बताता हूँ मैं जी। एक तो ऐसा है कि सरकार गिरने के बाद उद्धव जी की वो एक बार भी शरद पवार साहब से मिले नहीं, एक बार भी, एक छुटपुट ऐसे आते जाते हेलो हेलो ऐसे टाइप हुआ था, आए नहीं। तो पवार साहब नाराज थे, वो महीने में डेढ़ महीने में एक आध बार फोन होता था, मगर वो संबंध ही नहीं रख रहे थे, और बाकी सब कर रहे थे, परिषद ले रहे थे, पत्रकार परिषद ले रहे थे, दौरे कर रहे थे, कहाँ का भाषण कर रहे थे, उधम मचा रहे थे सब जगह, खाली पवार साहब से कांटेक्ट नहीं रखे थे। तो अभी मैं जब बोलता हूँ तो राज खुलता ही ऑटोमेटिकली, तो पवार साहब ने अपने मित्र संजय को बताया कि ये ठीक नहीं है, इतने बड़े क्राइसिस में से हमारी महागठबंधन जा रही है, हम जा रहे हैं, शिवसेना उबाठा भी जा रहे हैं, और उद्धव जी बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं कर, मार्गदर्शन वगैरह छोड़ो, अगर एक सलाम मशविरा होता है वो भी नहीं करते, पार्टी डिस्कशन होती है, ये क्या बात है? ऐसा उन्होंने संजय को पूछा, फिर संजय ने उद्धव जी को बोला कि भाई आपको मिलना चाहिए। अभी मैं अगर वो क्या बोले बोलूंगा तो लोग सीधा मुझे
पकड़ लेंगे, बोलेंगे संजय ने बोला, क्योंकि अगर संजय को भी बोला है तो। मगर उन्होंने थोड़ा उदासीनता दिखाई है समय, वो सेंटेंस ये करके खोल के, ना संजय को मुसीबत में डालना चाहता हूँ ना पवार के मन में प्रतिक्रिया निर्माण हो ऐसा देखता हूँ। फिर बाद में उन्होंने मना लिया उसको, उद्धव जी को, कि नहीं जाना चाहिए अपने। तो फिर वो बोले ठीक है जाते हैं। तब तक एजेंडे पे एक मुद्दा था इसका, सुप्रीम कोर्ट का, कि उसके बाद क्या होगा। तो अभी ये राज मैं खोल दूं कि उद्धव आशावादी नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से निकाल आएगा, ऐसा उनको लगता नहीं था। दूसरी बात है कि पवार साहब भी बोले कि मुझे भी डाउट है, इवन ऑन मेरिट शिंदे विल कंटिन्यू, और उनकी तरफ से निकाल आएगा ऐसा लगता है। तो वो बात हो गई, तो बोले सुप्रीम कोर्ट का निकाल अलग कुछ हुआ तो देखा जाएगा, मगर ऐसा होगा नहीं ऐसा लगता है, ऐसा पावर साहब ने भी उनको बताया, और उनको तो लगता ही नहीं है। मतलब एक दूसरे भरोसा दिलाया खाली। हाँ नहीं, भरोसा नहीं दिलाया उन्होंने, दोनों ने बोला कि हम हतबल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरी एक बात सर ऐसी हुई कि जो कॉन्फिडेंशियल है और मैं ही बोल सकता हूँ और मुझे बोलना पड़ेगा, अभी आपने मुझे यहाँ ला के खड़ा किया है ऐसे। सर पवार साहब ने उद्धव जी को पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने के बाद और वो निकाल शिंदे की तरफ जाने के बाद आपके कितने लोग टूटेंगे, आमदार और खासदार जो बचे हुए थे, ऐसा आपको लगता है? तो उद्धव साहब बोले कि टूटेंगे कुछ, अगर खिलाफ गया शिंदे के तो उनके भी कुछ टूट सकते हैं, मगर अगर शिंदे के साइड में गया शिंदे साहब के तो टूटेंगे। तो जो भी निर्णय आएगा एक दूसरे को टूटना ही। हाँ, एक पार्टी को टूटना है। उससे ज्यादा सर उद्धव जी ने जो सवाल पूछा वो पेचिंदा है। उन्होंने पवार साहब को पूछा कि जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे मालूम है कौन टूटने वाले हैं, मैं अभी से वो मन में तैयारी रखा हूँ कि ये जाने वाला है, ये जाने वाला है, ये जाने वाला है, और उसके पर्याय में क्या है वो भी मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स में इसमें उसमें चालू कर दिया है। तो बोले आपके टूटने वाले इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो बोले मैं परवाह करत नहीं, रायसे देने रहो रायसे देने जाओ। ये पवार साहब ने कहा, पवार साहब ने कहा, और मुझे लगता नहीं है कि वो दो तिहाई बहुमत जोड़ के जा सकेंगे, और रिजाइन करके जाना तो उनके लिए मुश्किल है, मगर वो क्या पैटर्न करेंगे पता नहीं। मगर तुम बोलते हो सच है कि कुछ लोग हमारे भी थोड़े ये है हिले हुए। तो दोनों का इसमें ऊपर एकमत हो गया कि भाई अपने टूटेंगे। एक बात और हो गई कि पवार साहब ने उनको बोला कि मला बरोबर नाही वाटत की तुम्ही संपर्क ठेवत नाही, बोलायला पाहिजे, फोनवर नाही प्रत्यक्ष आपण भेटून काही गोष्टी बोलू शकतो तर बोलायला पाहिजेत वगैरे वगैरे, आणि तुम्ही राजीनामा दिला तो सुद्धा आम्हाला सांगितलं नाही, आम्ही न ह्याच्यावर पाहतोय टीव्हीवर की तुम्ही राजीनामा दिलात, पण यू शुड हॅव आस्क, आम्ही तुमचे पार्टनर आहोत, तुम्ही आम्हाला विचारलं नाही। तर त्यांना उद्धवजीने असं उत्तर दिलं, तर त्यावेळेला सर एक और इमोशनल बात हो गई, उनके आंखों में आंसू आ गए, थोडेसे पवार साहब उद्विग्न थे, थोडे इरिटेटेड थे की भाई आपने हमें बताया तक नहीं वगैरे बोले, तो ये जरा विभल हो गए उद्धव जी, उनके आंखों में आंसू आ गए, ये मैं ही बता सकता हूँ, आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने बोला कि आप बोलते हो वो सही है, मेरी हिम्मत नहीं हुई आपको बताने कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और एक तरह से बोले मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी संख्या में इतने लोग मेरे को छोड़ के अचानक जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन जैसा हो गया था, मैं कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय मुझे एक ही लगा कि अभी कल सदन में बेआबरू हो जाएगी, फिर राज खुल जाएगा कि उनके पास कितने मेरे पास कितने हैं, और मैं वहाँ फिर पूर्ण शो होगा मेरा। तो वो नर्वस ब्रेकडाउन के क्षणों में मैंने रिजाइन किया और मैं शेल में चला गया। तो इसीलिए ऐसा हुआ है, आपको बोलना चाहिए था ये सच है, मगर फिर सच में आंखों में बहुत आंसू आए, वो पहली बार इसने कहा कि वो उनको इस तरह से रोते हुए देखा। तो सर अभी एक ही बात शिंदे अपने ये ठाकरे और इनकी और सब के इसमें बाकी है, वो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में राष्ट्र राष्ट्रीय वो निकल गया, इनके पास से पक्ष निकल गया। इसके लिए दोनों अभी क्या बोलते हैं
रास्ते पे आ गए, रास्ते पे आ गए, एक तरह से रास्ते पे आ गए, मगर इसके आगे चल दोनों का संघर्ष एक हो गया अभी। हाँ, अभी पवार साहब थोड़ा ये वज्रमुठ सभा वगैरह करके थोड़ा हौसला बनाने की कोशिश करेंगे, पर अगर सुप्रीम कोर्ट का निकल खिलाफ जाता है जी आघाड़ी के, और जाएगा सर, पक्का जाएगा, पक्का जाएगा, ऑन मेरिट भी जाएगा, भी बोल रहा हूँ मैं, मगर ऑन मेरिट भी जाएगा, तो बाद में सर इनके हाल हाल होंगे। इसका इसका परिणाम 2024 में साफ साफ देखने को मिल सकता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा परिणाम होगा सर, और अभी दिखेगा ना, अभी भी टूटना फूटना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर शायद अजीत दादा दो तिहाई राष्ट्रवादी के लोग भी तोड़ सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का ये गया, क्यों वो आदर्श उनको पूरा फॉर्मूला ही मिल जाएगा टूटने का, तो वो भी टूट सकते हैं सर। अभी एक बार महाराष्ट्र और एकनाथ शिंदे का कभी ना कभी हम सोच सकते हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई पैचअप होगा, मगर अभी मुझे दिख रहा है कि अजीत दादा और शरद पवार साहब का पैचअप मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन, ये बड़ा विधान कर रहा हूँ मैं, तो उनके पैचअप में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी दो दिन अजीत दादा गायब रहे जी, तो वो उनका तरीका है जी, वो एक हमारे यहाँ कोई औरत रूठती है तो कोने में जाके बैठ जाती है, किसी से बात नहीं करती, वो करती है, वो दादा का तरीका है। तो सर अभी लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे मुझे, महाराष्ट्र राजनीति में उथल पुथल होने की पूरी संभावना है आगे। हाँ, राष्ट्रवादी में तो उथल पुथल इनके इसमें नहीं होगी, मगर उबाठा में और राष्ट्रवादी में होगी ऐसा लगता है। सर जब भी बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे इनके बुरे दिन। धन्यवाद धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का मिलना, और जो पवार साहब जो इस समय भाजपा की तरफ जो झुकाव अपनी तरफ लिए हुए हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप इस चर्चा को आप क्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा जो सब्सक्राइब करने का जो रिक्वेस्ट है वो आप फॉलो करते रहिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां।